कटिहार बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला है। इन दिनों यहां सरकार को राजस्व का भारी चूना लग रहा है। मामला आजमनगर प्रखंड क्षेत्र का है। यहां बैरिया और रोहिया घाट का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का डाक अब तक नहीं कराया गया है। सरकारी डाक नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समय से डाक कराया गया था, लेकिन इस बार विभागीय लापरवाही का आलम देखिए। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से डाक शुरू हो गया है, बावजूद इसके अब तक डाक नहीं हो सका है। बताते चले कि बिहार सरकार ने 2019 में एक निर्देश पारित किया था, जिसके तहत राजस्व हाट और राजस्व घाट का विधिवत डाक कराए जाने के लिए संबंधित पंचायत को अधिकृत किया गया था। तब से घाट और हाट का डाक पंचायत के माध्यम से किया जाता है। बैरिया पंचायत के बैरिया घाट और आजमनगर पंचायत के रोहिया घाट का समय सीमा 31 मार्च को ही समाप्त हो गया है। घाट से होकर गुजरने वाले लोगों से राशि भी वसूली जा रही है, लेकिन घाट का डाक अभी तक नहीं हो सका है। ये विभागीय लापरवाही का नतीजा है। इस मामले को लेकर आजमनगर पंचायत के मुखिया डॉक्टर भरत राय ने बताया, लॉकडाउन के बाद बिहार सरकार की तरफ से पंचायत को कोई गाइडलाइन नहीं मिला है, इस वजह से रोहिया घाट का डाक कराए जाने में देरी हुई है। कि घाट का डाक मैंने अभी तक नहीं कर सका। नहीं करने का एक कारण है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में संचित जमा राशि से 15% वृद्धि कर उनका डाक करना है, और इनका जो पत्र मिला था इस पत्र के निर्देश में मैंने उनको पत्र प्रेषित किया। आजमनगर पंचायत के सचिव कर्मशील चौधरी ने बताया कि रोहिया घाट का डाक 7 मई को होना था, मुखिया के पटना अधिवेशन में जाने के कारण डाक नहीं हो सका। अगली तिथि जारी कर रोहिया घाट का डाक किया जाएगा। इन लोगों बोले कि ठीक है, सो आज मुखिया जी उपस्थित नहीं हुए हैं, तो अब अगला जो है मुखिया जी से आदेश लेकर के सूचना देते हुए हाट का डाक करवाएं। सर कब तक आखिर अगला तारीख निकलेगा? मुखिया जी आ जाते हैं तो उनसे विचार विमर्श करके पुनः 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग ये जो है सूचना। देशवा न्यूज के लिए कटिहार से नीरज झा की रिपोर्ट।